एक अप्रैल से हिमाचल में शराब एमआरपी पर मिलेगी। नई अबकारी नीति के तहत फाइनेंशियल ईयर से जो शराब की बोतलों पर सभी टैक्स इंक्लूड करके रेट लगाया जाएगा और लोगों को ये दाम ठेका मालिकों को देना होगा। अबकारी एवं कराधान विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राकेश भारती ने कहा कि यदि कोई भी ठेका मालिक एमआरपी से अधिक पैसा वसूलता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि अबकारी नीति 2018-19 के तहत होने वाली इस नीलामी में विभिन्न बड़े यूनिट्स के बजाय छोटे यूनिट्स भी ला रहा है, जिसके चलते अबकारी जिला कांगड़ा में इस बार नीलामी के लिए 119 यूनिट बनाई गई हैं, जो कि गत वर्ष हुई नीलामी के दौरान जिला में महज 24 यूनिट ही बनाए गए थे। गौर रहे कि गत वर्ष पूर्व कांग्रेस सरकार ने एचपीवीएल का गठन किया था, जिसमें अबकारी नीति में बदलाव किया गया था। मौजूदा बीजेपी सरकार ने सत्ता में आते ही एचपीवीएल को भंग करके पुरानी अबकारी नीति पर लौटने का फैसला लिया था। सरकार के इसी फैसले के अनुरूप अब शराब ठेकों की नीलामी आवंटन होगा। इस नई अबकारी नीति के तहत सरकार हिमाचली बेरोजगारों को शराब ठेकों की बिक्री में प्राथमिकता देगी। छोटे यूनिट्स का गठन भी इसी के चलते किया गया है, ताकि कम पूंजी लगाकर भी युवा वर्ग और बेरोजगार इस नीति के तहत रोजगार हासिल कर सके। नई अबकारी नीति के मुताबिक अब एक व्यक्ति को दो यूनिट से ज्यादा की बिक्री नहीं की जाएगी, वहीं आवेदनकर्ता भी एक यूनिट के लिए एक ही पर्ची डाल पाएंगे। कांगड़ा में 14 मार्च को ठेकों की नीलामी धर्मशाला में होने जा रही है। इस वर्ष 300 शराब ठेकों की नीलामी होगी। विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक गत वर्ष 319 शराब ठेकों की नीलामी हुई थी। जनता के विरोध के चलते जिला में 19 शराब ठेकों को बंद करना पड़ा था। ऐसे में अब शेष 300 शराब ठेकों के लिए नीलामी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, जिसके लिए आवेदक बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, कांगड़ा और धर्मशाला स्थित ईटीओ कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, इस बार जो आबकारी एवं कराधान विभाग ने जो नीति निकाली है वो बहुत अच्छी नीति है। कई वर्षों से सभी लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमारी ऐसी नीति आनी चाहिए जिससे छोटे से छोटा आदमी जो है वो अपना बेरोजगार शुरू कर सके। तो इस बार जो है वो उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी को सामने लाया गया है। एक्साइज अलॉटमेंट जो है वो कांगड़ा रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है वो 14 तारीख को 9 बजे शुरू होगी। ये म्यूनिसिपल कमेटी हॉल धर्मशाला में आयोजित की जाएगी। इसमें उपायुक्त महोदय इसकी अध्यक्षता करेंगे। मैं इसमें कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। जैसे हमारे पास 319 बेड ठेके थे, शराब के ठेके थे पिछले साल तक, जो जिसमें से 19 ठेके इस बार के लिए बंद हो चुके हैं और 14 ठेके नए खुले हैं। पिछले साल हमारे पास सिर्फ 24 यूनिट्स थे, जिनको हमने 319 यूनिट्स को 24 ठेकों को हमने 24 यूनिट्स में बांटा था। इस बार हमने छोटे छोटे ठेकों के छोटे छोटे यूनिट्स बनाए हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार ले सकें। आसान प्रक्रिया कर दी गई है, सिक्योरिटीज जितनी है उसको भी कम कर दिया गया है, और साथ ही साथ जो एचपीबीएल से सप्लाई मिलती थी, जिसके कारण रिटेल का जो लाइसेंसी है वो परेशान होता था, वो एचपीबीएल बंद हो चुकी है। होलसेल जो थोक का जो शराब का कारोबार है वो L1 L13 के पास फिर से वापस आ चुका है। हमारा जो एप्लीकेशन का टेबल है, जिसमें आप एप्लीकेशन मांगेंगे, वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं। 50,000 तक की जो यूनिट की वैल्यू होगी उसमें 15,000 रुपये एप्लीकेशन फीस होगी। 50,000 से 1,00,000 1 करोड़ रुपए तक का जो यूनिट होगा उसकी 35,000 रुपए एप्लीकेशन फीस होगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के लिए 55,000 रुपया, 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए 75,000 रुपया, और 5 करोड़ से ऊपर का जो यूनिट होगा उसके लिए 1,00,000 रुपया एप्लीकेंट को देना पड़ेगा। जी सर, मौजूदा समय में जो ठेके चल रहे हैं।